स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 भगवान के डाकिया। जो ये कविता है बेटा, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी हुई है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही अच्छे ढंग से समझाते हैं कि जो पक्षी और बादल हैं, ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो ये बताते हैं कि जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। इन लाइनों में कवि समझा रहे हैं कि इनकी जो लाई हुई चिट्ठियाँ हैं, हम समझ नहीं पाते, हमें इनकी लाई चिट्ठियों के बारे में कुछ नहीं पता लगता, मगर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इनकी लाई हुई चिट्ठियों को अच्छे से समझ पाते हैं कि वो क्या संदेशा लाए हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है। हम तो सिर्फ केवल इतना ही बाँच पाते हैं, जान पाते हैं कि एक देश से दूसरे देश को जो जा रहे हैं, ये सिर्फ सुगंधित बांट रहे हैं। और वे सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। जो ये सुगंधित हवा है, जो हम कह रहे हैं एक देश को दूसरे देश को बांटते हैं, ये इनके जो हवा में उड़ रहे हैं पक्षी, इनके पंख हैं, उनके ऊपर ये सुगंधित नज़र आती है। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और इसमें कभी ये बताता है कि अन्य किसी देश में पानी गर गिरती है। कभी उक्त सभी भावों का मूल बताना चाहता है कि इसमें कि बिना से जो के कोई भी कार्य संभव नहीं है। हमें हर कार्य में एक दूसरे का सहयोग चाहिए होता है।